तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश के लोगों को बचने की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना पर नेताओं के बेतुके बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा बयान इटावा के भरथना से विधायक सावित्री कठेरिया ने दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए। कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है, और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है। सुना आपने मैडम विधायक क्या कह रही हैं? इनके हिसाब से कोरोना सिर्फ शहर में फैलता है, गांव में नहीं। ये अटपटा ज्ञान देने वाली देवी हैं इटावा के भरथाना की बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया। अपने क्षेत्र के दौरे पर निकली सावित्री कठेरिया से जब हमारे संवाददाता ने हाईकोर्ट के चुनाव टालने के सुझाव पर सवाल किया, तो सुनिए मैडम ने क्या जवाब दिया। कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है, और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है, जनता से डरता है, पब्लिक से डरता है, क्योंकि हम लोगों का चुटैया का पसीना एड़ी तक जाता, एड़ी चुटैया तक जाता, सुबह से शाम तक काम करते हैं, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। विधायक मैडम यही नहीं रुकी, उन्होंने कोरोना को गांव और शहर में बांट दिया। विधायक के अनुसार गांव वालों को कोरोना नहीं होता। देखिए, चुनाव टाइम से होना चाहिए, चुनाव आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और हम सब लोग उसका बचाव करेंगे, और सभी लोग, पूरी सरकार हमारी तैयार है कि हम उसका पूरी तैयारी कर चुके हैं, और चुनाव टाइम से हुए, और कोरोना महामारी जैसी के हम सब लोग बचाव करेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों से कोरोना पर बचने की अपील कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें, हाँ सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में ऐसे ज्ञानवान लोग मौजूद हैं जिनके इस लापरवाही भरे बयान से कोरोना कंट्रोल में क्या आएगा, गांव में और फैलेगा, क्योंकि अगर विधायक ही ऐसी बात करेगा तो फिर आम आदमी सावधानी कहां से बरतेगा। ABP News आपको रखे आगे।